अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि देर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल एंड इन बेंगलुरु दे मीट सेड वी नीड ममता टू सेव द डेमोक्रेसी इन अधीर रंजन चौधरी जी कहते हैं कि देर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल हमारे वर्कर्स का मर्डर हो रहा है और वो कोर्ट तक चले जाते हैं कांग्रेस वर्कर्स का मर्डर हो रहा है आई एम टॉकिंग अबाउट कांग्रेस वर्कर एंड इन बेंगलुरु दे मीट सेड वी नीड ममता टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया सच ए लेवल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ऑन कोलकाता दे आर सेज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल बट इन बेंगलुरु दे आर दैट द लीडर ऑफ दी और द रूलर ऑफ द कोलकाता इज नीडेड टू सेव द डेमोक्रेसी इन द कंट्री तो इस ढंग के कॉन्ट्रोडिक्शन है बताइए लेफ्ट पार्टीज ने कह दिया हम तो ममता जी के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव तो वो तो अलग बात है मीडिया में इंटरेस्ट इनका था तो मैं बहुत अगर समराइज करूँ तो टू पॉइंट वन यह कांग्रेस की टिपिकल करेक्टरिस्टिक डोमिनेटिंग आदत है इन लाइन नहीं तो हम नहीं आएंगे नहीं तो बस वो जो इनकी पार्टी में भी होता था कि बोलना नहीं चाहिए अरे भाई जिन्होंने दस साल अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बोलने दिया कैसे वो यकीन करेंगे कैसे वो गवारा करेंगे कि कोई दूसरा उनसे सवाल पूछ ले तो एक ये और दूसरा हो सकता है कि उनके स्पोक्स पर्सनस और लीडर्स बहुत परेशान हों कि आप इस ढंग की एब्सर्ड इलॉजिकल कभी आप हिंदू धर्म को गाली बकेंगे कभी सनातन धर्म को गाली बकेंगे चलिए मोदी जी के प्रति जो बोल रहे थे समझ में आता था आप एक बार वो टॉलरेट कर सकते थे डिफेंड कर सकते थे कुछ भी मन में ईर्ष्या है भाई व्यक्ति के बारे में बोलिए कोई बात नहीं हम टॉलरेट करेंगे पार्टी के बारे में बोलिए हम टॉलरेट करेंगे गवर्नमेंट के खिलाफ बोलिए अब आप हिंदू धर्म सनातन धर्म पर लगातार बोलते आ हो सकता है वही लोग परेशान हो रहे हो और वैसे तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप ये समझ लीजिए इस डिसीजन को मैं एक ही लाइन में कहूँगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि क्योंकि इसके बाद अगर वो नहीं आएंगे तो किसी को तो ले आएंगे ना वो कांग्रेस के समर्थक को ले आएंगे और वो ऑफिशियल पोजीशन नहीं होगा तो वो हो सकता है कि वो वीक पोजीशन हो अच्छा मैं एक और बात कहूंगा कि जो आपके व्यूअर्स हैं मिलियंस ऑफ व्यूअर आई वुड लाइक टू से पिछले करीब दो तीन महीनों की आप डिबेट्स में जाके देखिए जस्ट गो एंड सर्च लुक एट दबस्टेंस ऑफ वॉट कांग्रेस वॉज से फैक्ट्स एंड लॉजिक

सिर्फ कांग्रेस मतलब समाजवादी पार्टी वही बताओ अपोजिशन वाली जो ये पार्टीज हैं इवन आप समाजवादी पार्टी देखिए आप लोग इवन आप ये भी देखेंगे मार्क करेंगे कि उन लोगों का जिसे भाव भंगिमा कहते हैं द गेस्ट द बॉडी लैंग्वेज इवन आपको हिलते डुलते तक नजर आएंगे उनके प्रवक्ता हाथ पांव सर हिलाते हुए तो ये दर्शाता है कि सम हाउ दे वर फीलिंग डिस्कम्फर्ट सो दे माइट हैव टेक इट इज अप टू देम देखिये डिसीजन उनका है हुँ. मगर एक बात बहुत साफ है बहुत साफ हो गया कि पहले उनको किससे प्रॉब्लम नहीं थी वो कहते हैं कि साहब हमें इलेक्शन कमीशन से भी प्रॉब्लम थी हमें ईवीएम से प्रॉब्लम थी उनको कोर्ट से भी प्रॉब्लम थी मगर तब जब उनके फेवर में डिजन आ जाए तो सब ठीक था उनको हिंदू धर्म और सनातन धर्म से प्रॉब्लम है वो तो उस विचारधारा के साथ है जो कहते हैं इंडिया का भी एक कंट्री रहा ही नहीं उसमें तो बाईस नेशनलिटीज है इसमें एक... तो अगर आज उनको मीडिया के साथ भी प्रॉब्लम है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जिसको हर जगह प्रॉब्लम नजर आ रही हो इसका मतलब उसे अपनी दिमाग और आंखों का इलाज कराना चाहिए बजाय दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना, बुरा ना, ना, ना। मिलिया कोय जो दिल खोजू आप ना मुस्सा बुरा ना कोय यह कांग्रेस के लिए एकदम सही उचित उतरता है सर इनमें से कई कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है मीडिया जो है एडिटोरियली uh, वो बीजेपी uh, की तरफ झुक चुकी है और कई सालों से झुक चुकी है तो जो जिस तरह वो सवाल पूछते हैं आपसे और जिस तरह वो सवाल पूछते हैं शायद पवन खेरा से या सुप्रिया श्रीनेत से उनका लहजा ही अलग है जो एंकर्स uh, हैं वो उनका झुकाव जो है और वो एडिटोरियली बोलने लग गए हैं मतलब पहले होता था कि एंकर का काम होता था चलिए आप बोलिए आप बोलिए और शायद कंक्लूजन में कुछ लेकिन कई सालों से देखने में आए कि एडिटर्स आ, जो एंकर्स हैं वो बायस्ड है बहुत ओपनली बायस्ड है जवाब देता हूँ एक्चुअली में क्या है इंडिया में डेमोक्रेसी आई नाइन में जी तो राजे रजवाड़े गए तो उस समय उनको बहुत तकलीफ हुई थी कि माई अथॉरिटी एबसोल्यूट अथॉरिटी इट इज बीन डिमिनिस्ड बट फिर रियल डेमोक्रेसी आई सेवेंटी सेवन में सब तक एक ही पार्टी रोल था अब दूसरी पार्टीज भी जीतने लगी अब अफसोस क्या हुआ कि मीडिया के अंदर वो जो वन पार्टी कंट्रोल था जैसे लाइटर डब्ल्यू टीओ ने कहा था मोनोपोली मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिटिस एक्ट अब वो जो मोनोपोली थी <laughs> वो मोनोपोली पहले राज्य रजवाड़ों की थी डेमोक्रेसी थी नहीं फोर्टी में मोनोपोली खत्म हुई कांग्रेस की मोनोपोली सेवेंटी में खत्म हुई सेंटर में तो हम ही रूल करेंगे अब ये मीडिया में जो मोनोपोली थी इसकी बजाय जो डेमोक्रेसी आनी शुरू हुई जैसे मैंने कहा ना टेक्निकल डेमोक्रेसी 47 में आई एक्चुअल डेमोक्रेसी 77 में आई जब श्री राम जन्मभूमि आंदोलन आया 90s में वर्नैकुलर मीडिया में डेमोक्रेसी आनी डेमोक्रेसी मतलब दूसरे व्यू को भी सुनिए ना लुक एट द अदर एस्पेक्ट ऑल्सो अब क्या हुआ मगर उसके बावजूद द कंट्रोल वॉज सो स्ट्रांग इन द नेशनल मीडिया